दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाद। इन्हें जानते होंगे आप, सुशांत सिन्हा। मैं ना इन्हें गोदी मीडिया का उभरता सितारा कहती हूँ, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में इन्होंने सरकार की जो जी हजूरी की है, ना केवल टीवी पर बल्कि अपने यूट्यूब चैनल में भी, अच्छे अच्छे बड़े बड़े गोदी एंकर कॉम्प्लेक्स खाते हैं इनसे। हाँ सही बता रही हूँ। लेकिन इस बार सुशांत सिन्हा गलत आदमी से भिड़ गए, या फिर ये कहें कि गलत आदमी से पंगा ले लिया, क्योंकि उसी आदमी ने सुशांत सिन्हा को बता दिया कि वो जिस स्कूल की पाठशाला लगाते हैं उस स्कूल के वो प्रिंसिपल हैं। दोस्तों हुआ ये कि दिल्ली की बाढ़ को लेकर सुशांत सिन्हा ने एक वीडियो ट्वीट की और दावा किया कि दिल्ली के मंत्री, अरविंद केजरीवाल के मंत्री, लोग उन्हें शर्म करो कह रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। और इस वीडियो का पोस्टमार्टम करके रख दिया सौरभ भारद्वाज ने, दिल्ली के उस मंत्री ने जिस पर आरोप लगाते हुए वीडियो ट्वीट किया था सुशांत सिन्हा ने। देखिए, सुशांत सिन्हा ने ट्वीट किया ये वीडियो, लोग दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज को घेर कर सवाल पूछ रहे हैं कि जब मदद चाहिए थी तब कहां थे, शर्म करो के नारे लग रहे हैं और मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, गजबे है। अब इनकी गजबे है वाली इस बात का गजब जवाब दिया खुद सौरभ भारद्वाज ने, जिन पर इन्होंने मुस्कुराने के आरोप लगाए थे। देखिए सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया, मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि आपकी भाजपा के पूर्व मेयर बिहारी जी मुझे बुलाकर अपने टेंट में ले गए, बोले आइए चाय पिलाएंगे। मैंने शिष्टाचार में हाँ कह दिया और फिर भाजपा के कार्यकर्ता नौटंकी करने लगे। उन कार्यकर्ताओं को सभी पहचानते हैं, कब तक पाउडर लगाकर टीवी पर झूठ बोलोगे। इसके बाद तो दोस्तों सौरभ भारद्वाज ने, आप समझ लीजिए, सुशांत सिन्हा को एक्सपोज कर दिया। इसी वीडियो में उस भाजपा नेता की फोटो आइडेंटिफाई करके सुशांत सिन्हा के लिए सौरभ भारद्वाज ने लिखा, अब पहचानो अपनी पार्टी को, भाजपा वालों की पोल खोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तुम्हारी पाठशाला की प्रिंसिपल है हम। इसके बाद दोस्तों एक और ट्वीट किया सौरभ भारद्वाज ने, उसी बीजेपी नेता जो सौरभ भारद्वाज को चाय के लिए बुला रहे थे उसी भीड़ के बीच, जिसका जिक्र सुशांत सिन्हा ने किया, इस बीजेपी नेता के साथ जानते हैं किसकी फोटो निकल गई, खुद सुशांत सिन्हा की। देखिए क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, हा हा हा, आज तो अपनी पाठशाला में मास्टर जी फेल हो गए, जिसे जनता बता रहे थे वो इन्हीं का भाजपाई चेला निकला। वैसे वाकई में सुशांत सिन्हा को अंदाजा नहीं होगा कि उनका एक वीडियो उनके लिए इतना बड़ा तमाशा क्रिएट कर देगा। अच्छी खासी खींचा लेदर हो गई है सुशांत सिन्हा की। वैसे सुशांत सिन्हा को अगर इस वीडियो के बारे में कुछ भी बोलना है, मैं हैरान हूं कि अब तक उन्होंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने तक तो उनका कोई जवाब इस जो कॉन्वर्जेशन है सौरभ भारद्वाज और सुशांत सिन्हा के बीच, उस पर नहीं आया था। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एक तरह से एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से न केवल आईटी सेल बल्कि ये जो सो कॉल्ड एंकर हैं, ये केवल उसी उन्हीं पार्टियों को टारगेट करते हैं जो किसी न किसी राज्य में बीजेपी को कंपटीशन दे रही होती है। और जब ये एक्सपोज होते हैं तो ये भाग खड़े होते हैं, इनके पास जवाब नहीं होता देने के लिए। तो आम आदमी पार्टी है जो आईटी सेल और ऐसे एंकरों को तगड़ा जवाब देती है, जिसकी रिसर्च भी बढ़िया है, जिसका होमवर्क भी बढ़िया है। सोचिए अगर दूसरी पार्टी हो तो दूसरी पार्टियों को किस तरह से बदनाम करते हैं, किस लेवल पर इनका प्रोपेगेंडा चलता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मेरा ये चैनल नया है, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और थैंक्स का ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं हर वीडियो में। और इसके अलावा आप ज्वाइन के ऑप्शन के जरिए चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। थैंक यू।